तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज की इस नए वीडियो में मैं आप सबको इन दो आम की पौधे को मिट्टी के अंडर मिट्टी के ऊपर लगाकर दिखाने वाला है। 37 गर्मी हुआ है आज के दिन, तो कौन ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, कितने टाइम कितने दिन ये सर्वाइव कर पाएगा मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, बने रहे एंड तक। तो चलिए यार, आम का पौधा नजर नहीं आ रहा यार, कहाँ रख दिया यार, मुझे पता ही नहीं है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी कहाँ रख दिया यार, सच बोल रहा हूँ यार, कहाँ रख दिया यार, गुम हो गया यहाँ पर भी नहीं। A few moments later, मिल गया यार, एक और ये दो, बच गया बच गया। अब देखते हैं इधर कितने और गड्ढा खोदना है, और देख सकते हैं इतना तक, तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर मिट्टी कूड़ा हुआ हो चुका है बहुत ही गहरा, जो कि इसके लिए बहुत ही गहरा हो चुका है, जो कि आप सब देख सकते हो ये बहुत हद तक नीचे जा चुका है। तो इसको पहले अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, ताकि इसमें जो है मिट्टी वो इसको साफ करने के बाद इसको आराम से लगा देंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसे महसूस ना हो। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। मेरा यहाँ पर पौधा लगाना कंप्लीटली हो चुका है, जो कि आप सब यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली हो चुका है मेरा ये कंप्लीट, जो पेड़ मुझे उगाना था, यानी कि मुझे यहाँ पर लगाना था, जो कि यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है। कितना अच्छे लुक्स आ रहा है। ओके, तो दोनों में से कौन अभी जिंदा रहेगा, देखने वाला है कितने टाइम कितने मिनट कितने दिन तक रहेगा, या ये पहले मरेगा या ये पहले मरेगा। यहाँ पर तो बारिश आ गया है, तो कंपल्सरी ये मरना तय है, और यहाँ पर ज़्यादा धूप हो गया, तो अभी तो धूप है, और भी ज़्यादा धूप हो गया तो इसका पत्तियाँ जल भी सकता है और ये मर भी सकता है। दोनों में से कौन जिंदा रहेगा वो ही देखने वाला है आज के इस नए वीडियो में, जो कि यहाँ पर अंधेरा थोड़ा है, यहाँ पर जो कि आप सब देख सकते, यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं लग रही, यहाँ पर बहुत करी धूप लगा है। अरे हर वक्त निकल जाता रहता है। दोनों में मैंने पानी अभी भूर तरीके से रख दिया है, अभी देखते हैं कितने दिन रहेगा, कितने टाइम रखेगा, चलिए अभी बाद में पता चलेगा। पानी अच्छी तरह से डाल दिया मैंने, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इससे अभी सुरक्षा करें, तो वो हमें आने वाले दिनों में बहुत सारा हमें बहुत सारा हेल्प कर सकता है। अगर हम इसे ऐसा ही आर्डर करते रहेंगे, तो
तो वो हमें बाद में फ्यूचर में बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं, अगर हम इसे अभी संभाल के रखे तो वो हमें बाद में संभाल के रखेगा। अभी गर्म है, बाद में ठंडा होगा, अगर अभी ठंडा है तो बाद में गर्म होगा। बात तो सही है। तो इसलिए अभी आदर करो, गुड नाइट, मैं सो जाता हूँ। The next morning. तो दोस्तों आज के दिन एक दिन हो चुका है, जो कि आप सब देख सकते हो आपका पौधा किस तरह है, अभी भी जीवित है बहुत अच्छी तरह से। और इसे भी देख लेते हैं किस तरह है, अभी भी जीवित है, कुछ भी इससे नहीं हुआ है, पत्ते वगैरह इसका कुछ भी जला नहीं, थोड़ा गर्म हुआ है पर कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी भी जीवित है। तो थोड़ा पानी डाल लेते, आज का दिन एक दिन हो चुका है, जो कि पानी डाल दिया है, कल मिलते हैं, कल कैसा होता है। The next day. तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हो अभी भी ये जिंदा है, दोनों का दोनों अभी भी सरवाइव कर पा रहा है, जो कि कल मैंने यहाँ पर पानी डाला था, जो कि अभी भी ये जीवित है, अभी भी सरवाइव कर पा रहा है इतने सारे धूप में, जो कि अभी देखने वाला है बिना पानी के ये कितने दिन सरवाइव कर पाएगा। Many months later. तो दोस्तों यार दो हफ्ते के बाद, हफ्ते नहीं तो दोस्तों दो महीने के बाद मेरा पैर का हालत बहुत ही खराब हो चुका है। देखना चाहते हो तो कि आप सब देख सकते हो यहाँ पर किस तरह का हो गया है, जो कि ख्याल नहीं रखा जाता है तो कुछ इस तरह ही हो जाता है, जो कि बहुत खराब हो चुका है। अब इसको साफ करते हैं और देखते हैं, ओ भाई साहब, फिर देखते हैं अंदर किस तरह हुआ है पैर का हालत, चप्पल वप्पल निकल गया अरे भाई। तो चलिए चलेगा, क्या क्या हो रखा है इधर यार, ये देख सकते हो यार ये वाला, ओह माय गॉड। तो ये आप देख सकते हो ये वाला आम था ना, जो कि आप सबको देखने को मिला था, तो ये वाला देख लीजिए। हाँ कुछ इस तरह, पहले कुछ इस तरह था, अब इस तरह हो चुका है यार पैर का, इसका पत्तियाँ पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन पैर अभी भी जीवित है। लेकिन यहाँ पर ना इसको हम ख्याल नहीं रखा है ना, इसलिए वो उस इस तरह हो गया है। फिर दूसरा वाला को देखिए तो कुछ इस तरह हो चुका है, बहुत ही खराब हो चुका है यार, लेकिन अभी भी जीवित लगता है, जीवित है लगता है, देख सकते हो अभी भी जीवित है, लेकिन इसका पत्तियां वगैरह सब चिन चुका है, मतलब ये गिर चुका है देख सकते हो। तो अभी भी पैर जीवित है, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह बहुत ही टाइट हो चुका है, इसको देखते हैं, ये भी बहुत टाइट हो चुका है। तो दोस्तों मैंने पैर लगाया, पौधा लगाया, वो पौधा अभी जीवित है। तो आप सब ऐसे पौधा लगाएंगे तो जीवित कैसा नहीं रहेगा यार, जीवित रहेगा, इसलिए एक पौधा तो लगाना आपको भी आना चाहिए। तो मरा नहीं है, बस यहाँ पर इसका पत्तिया वगैरह छीन चुका है, मतलब गिर चुका है, कुछ हुआ नहीं इसको। तो आप सब भी यार घर पे ट्राई बिल्कुल कीजिए, ताकि आप सबको यही एहसास हुआ कि हाँ मैंने एक पौधा लगाया है, अच्छा लगता है यार खुद को, यार किसी और को भी कहने में आप पेड़ लगाओ या पौधा लगाओ ऐसा कहने में। तो दोस्तों इधर बहुत सारा बारिश आया था, बहुत सारा तेज धूप दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत झेला ही इसने खुद को, जो मैं इसको इसका ख्याल भी नहीं रखा, लेकिन वो अपने आप खुद के पैरों में खड़ा हो गया है। तो ये चीज खड़ा हो सकती तो आप सब जिंदगी में क्यों नहीं खड़ा हो सकता यार, करो जो करना है, लेकिन आपने सफलता के लिए करो यार, कुछ अच्छे करने के लिए करो, बुराई करने के लिए नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाय बाय।